एडवाइज़र है, लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए है कि जब मैं हब रैली में गया था तो मैंने वहाँ शेरवानी साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि अब इस बार आपने जो ये कार रैली है वो कराची में करनी है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी इस बात को माना। और एक और खुशी ये है कि जो DHA के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो यहाँ मौजूद हैं, अभी जब हम उनसे डिस्कशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ख़ास तौर पर ये जो कार रैली है, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ DHA में आपको ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। ब्रिगेड साहब ऐसे ही हैं जी? बिल्कुल। और इन्होंने कहा कि यहाँ गवर्नर इनिशिएटिव के तहत आप इसको परमानेंट बेसिस पर करें ताकि कराची वालों को भी ये कार रैली जो है पूरा साल देखने को मिले। तो मैं DHA के एडमिनिस्ट्रेटर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और शेरवानी साहब का, और इंशाल्लाह हम इस पर बैठ कर यहाँ कराची के लिए भी एक परमानेंट रैली का जो इनेकाद है वो यहाँ इंशाल्लाह हुआ करेगा। बिल्कुल, हम गौरव साहब आप भी देखे होंगे लोग सड़कों पे तेज रफ्तारी दिखाते हैं, तो उनको शौक है वो यहाँ पर ट्रैक पर आए, और नौजवान कितनी बड़ी यहाँ पे देख रहे हैं उनको शौक है, ऑटो क्रॉस के अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे सीनियर्स भी जो ऑफ रोड रैली के चैंपियन हैं, लेकिन उनको ग्रीट किया है नौजवानों ने। जी बिल्कुल, और ये खुशखबरी उन नौजवानों के लिए है जो रोड्स पर जाते हैं, कार एक्सीडेंट हो जाते हैं, इश्यूज बनते हैं, तो इंशाल्लाह DHA फेस 9 जो है वो आपके लिए एक सेफ जगह होगी जहां आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो यहां होंगी। मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ DHA के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलकर यहां फेस 9 के, उनके पास बड़े आइडियाज़ हैं एजुकेशन के हवाले से भी, इन्होंने भी मुझे बताया कि पूरा एक सिस्टम इन्होंने यहाँ डेवलप किया हुआ है। IT के हवाले से मेरी इनसे बात हुई है, स्पोर्ट्स के हवाले से हुई है, तो इंशाल्लाह ताला हम मिलजुल कर बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा है। सराय में जो स्टैंड बन जी जी ब्रिगेड साहब जो DHA सिटी के हैं सर साहब, जी जो कुछ कहना चाहते हैं जी? सर फेस 9, फेस 9 इज एन ओल्ड एक्सप्रेशन। अच्छा, फेस 8 के बाद फेस 9, फेस 10। अच्छा माशाल्लाह। DHA सिटी इज एन इंडिपेंडेंट DHA, तो आप DHA सिटी में जो बहुत कुछ इंशाल्लाह होने जा रहा है DHA सिटी में आइंदा, मैंने यहाँ आके देखा है बहुत ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ प्लानिंग की हुई है, और जहाँ बात स्पोर्ट्स की हो और जिस तरह उन्होंने लबैक कहा है, तो मैं समझता हूँ कि अब इंशाल्लाह कराची वाले जो है वो यहाँ DHA सिटी में लुत्फ अंदोज होंगे। अच्छा हम सब ऐसे जब ट्रैक पर आते हैं गाड़ी के फर्राटे सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं और गाड़ी को दौड़ते हैं, तो एक फील आता है, वो फील आपसे पूछना चाहूँगा, आपको आपको फील का भी बता देता हूँ, हमने यहाँ एक ड्राइवर इमाम के साथ अभी पीछे खड़े इमाम साहब का इमाम भाई के साथ अभी हमने बाकायदा उसी तरह से ट्रैक से हम गुजरे हैं, और जब ये चला रहे थे तो मैं हाथ यहाँ रख रहा था, और अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा अभी इनके साथ एक्सपीरियंस दिया है, बड़ा मज़ा आया। CG जो है जापान के वो भी हमारे साथ गाड़ी में थे, और जो है वो शेरवानी साहब भी थे, मैं समझता हूँ क्या है वही एक्सपीरियंस था जो कार ड्राइवर रेस पे कर रहे हैं, बिल्कुल उससे कम नहीं था, तो वो मैं पूरा करके अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत यहाँ बैठा हूँ। कोशिश करूंगा कि फर्स्ट नंबर पे आए, लेकिन आज भी मैंने हमारे ड्राइवर इमाम जो है उन्होंने गाड़ी ड्राइव की, मैं भी उस गाड़ी में मौजूद था, CG जापान भी मौजूद थे, शेरवानी साहब भी मौजूद थे,
तो वो जो डर होता है वो हमारा इमाम ड्राइवर साहब ने निकाल दिया है, तो इंशाल्लाह ड्राइविंग सीट पर भी बैठेंगे। थैंक यू।